नमस्कार, मैं प्रिया। पटना न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पटना की 11 फटाफट खबरों को। पटना में जल्द ही मिलेगी स्मार्ट पार्किंग की सुविधा। राजधानी पटना में जल्द ही आम लोगों को स्मार्ट पार्किंग की सुविधा मिलने वाली है, जहां पर आपको घर बैठे ही पार्किंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने का विकल्प मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पहले फेज में 38 स्मार्ट पार्किंग बनाने के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। इन जगहों का भी सर्वे किया जा रहा है। इन जगहों पर कितनी गाड़ियों को रखा जाएगा, कितनी नहीं, इस बात को लेकर के विचार विमर्श अभी जारी है। वहीं आपको बता दें कि ये स्मार्ट पार्किंग में और कई तरह की सुविधाएं आपको मिलेंगी, जहां पर शौचालय, पानी, मोबाइल चार्ज, चेयर सहित कई अन्य सुविधाएं स्मार्ट पार्किंग में आपको देखने को मिलेगी। किडनी के प्रति जागरूकता के लिए दौड़ लगाएंगे पटनावासी। विश्व किडनी दिवस के मौके पर पटनावासी गुरुवार को रन फॉर किडनी हेल्थ का आयोजन किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार किडनी रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरुआत की गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पाटलिपुत्र नेशनल किडनी फाउंडेशन के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी फाउंडेशन के अध्यक्ष और किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत कुमार ने दी है। उन्होंने बताया है कि दौड़ के बाद पाल मार्केट में निःशुल्क किडनी जाँच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके उपरांत शाम को किडनी रोग की समस्या और बचाव के उपाय पर चर्चा के लिए कार्यक्रम का आयोजन होगा। यूक्रेन से पटना लौटा छात्र दिखा भावुक। यूक्रेन रूस विवाद फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार और बिहार सरकार वहां से अपने छात्रों को वापस बुलाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार के सुबह विमान से 18 बच्चे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। ये वो बच्चे हैं जो खारकीव में फंसे हुए थे। भारत सरकार ने इन्हें किसी तरह वहां से निकाला है। इसी में फंसे दानापुर के शुभम कुमार ने कहा कि वहां पर भारत सरकार की मदद से हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुंचे और वहां से आज पटना आए हैं। सरकार ने हमें वहां से निकाला है। वहां की हालत बहुत खराब है। रात दिन वहां पर हमले हो रहे हैं। पित्ताशय कैंसर पर रिसर्च करेगा महावीर कैंसर संस्थान। महावीर कैंसर संस्थान और जापान का टोक्यो विश्वविद्यालय मिलकर अब पित्ताशय कैंसर के कारणों का विस्तृत अध्ययन करने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी द्वारा वहन किए जाने के बाद जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी के सहयोग से कैंसर संस्थान और टोक्यो विश्वविद्यालय की संयुक्त रिसर्च टीम आर्सेनिक, अन्य भारी धातुएं, कीटनाशक और जीवन शैली आदि पित्ताशय कैंसर के कारकों का अध्ययन कर विश्लेषण करेगी। इसको लेकर 3 साल की परियोजना भी बनाई गई है। उम्मीद है कि इस पर कुल मिलाकर 1 करोड़ की लागत आएगी, जिसका खर्च जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एजेंसी उठाएगी। सहारा अब अपने निवेशकों का पैसा लौटाने को तैयार। सहारा अपने सभी निवेशकों को पैसा लौटाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसको लेकर सहारा की तरफ से एक शर्त जरूर रखी गई है, जिसके तहत सहारा की जमा 24,000 करोड़ से रुपए वापस अगर सेबी कर देता है तो सहारा ऐसा करने की सोच सकता है। मिली जानकारी के अनुसार खुद सहारा के सीनियर एडवोकेट उमेश प्रसाद सिंह ने पटना हाईकोर्ट को ये जानकारी दी है। इसको लेकर उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा के निवेशकों को पैसा वापस करने का आदेश दिया था। सेबी ने मात्र 178 करोड़ रुपए वापस किए हैं। जेल में बंद बिल्डर अनिल सिंह पर ईडी ने की कार्रवाई। बिहार के जेल में बंद बिल्डर अनिल कुमार उर्फ अनिल सिंह के खिलाफ ईडी ने बीते दिन बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत 46.85 लाख को ईडी ने जब्त कर लिया है, जिसकी पुष्टि बीती शाम को खुद ईडी की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की है। जेल में बंद अनिल कुमार पाटलिपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड और उसके दूसरे ग्रुप के एमडी हैं। कार्रवाई से पहले 29 अक्टूबर 2021 को भी ईडी ने पाटलिपुत्र बिल्डर्स के नाम वाली 2.62 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था। महिला दिवस के मौके पर पटना एयरपोर्ट पर दिखी खास व्यवस्था। बीते दिन महिला दिवस के मौके पर बिहार सरकार ने बिहार की महिलाओं को स्पेशल महसूस करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी कड़ी में पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी महिलाओं का दबदबा देखने को मिला, जिसके तहत ही एयरपोर्ट की कंट्रोल टावर से लेकर घरेलू उड़ानों में महिला पायलटों और महिला क्रू मेंबर्स नजर आए। स्पाइसजेट की तरफ से भी विशेष रूप से मुंबई और दिल्ली से जाने वाले विमानों में महिला पायलट और महिला ग्रुप मेंबर को रखा गया था। इसीलिए विमान से आने वाले सभी महिला यात्रियों को गुलाब का फूल देकर के पटना एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट प्रबंधन की तरफ से स्वागत भी किया गया। पटना के पीके सॉल्वर के 4 सदस्य हुए गिरफ्तार। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले अभ्यर्थियों की जगह पटना के सॉल्वर गैंग से सेटिंग करने वाले गिरोह के 4 छात्र को गिरफ्तार करने में बीते दिन पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसके तहत ही पटना पुलिस ने यूपी पुलिस की गुप्त सूचना के आधार पर कंकड़बाग थाना क्षेत्र में तलाशी ली और मामले में कंकड़बाग के रहने वाले रूपेश कुमार, दानापुर के रहने वाले सौरभ कुमार सहित 2 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटना के महावीर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलकर उत्तर दिशा की तरफ स्थित ये मंदिर रेलवे परिसर से ही सटा हुआ है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में इसकी विशिष्ट स्थान है। 1730 ईसा में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है और यहां पर राम सेतु का पत्थर, जिसका वजन 15 किलो है, कांच के बर्तन में रखा होता है। ये पत्थर पानी में तैरता हुआ है। अगर आप चाहें तो मंदिर में पहले से बुकिंग कराकर किसी भी
भगवान का कथा पूजा पाठ करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको बुकिंग के वक्त निर्धारित छोटी सी रकम अदा करनी होगी। आपको बता दें कि महावीर मंदिर का प्रसाद नैवेद्यम का लड्डू पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। कोविड 19 के मामलों में पटना में जारी है गिरावट। बिहार में कोविड 19 मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 21 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 161 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो पटना में कुल मिलाकर 4 मामलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी पुष्टि 110,615 सैंपल की जांच में हुई। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,780 रुपए है, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,090 रुपए है। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,200 रुपए है। इसके साथ ही राजधानी पटना में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 105.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर है। वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है आशीष कुमार, पंकज कुमार, सागर कुमार, डीजे गुड्डू, राज प्रेम सिंह, एसके चौहान, राजीव कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजधानी पटना में जाम की समस्या से निजात आम लोगों को मिली है या नहीं। अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। पटना की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।